नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। खबर बेटामा मध्य प्रदेश, यार इस वर्ष बेटामा के बच्चों को वितरण की गई शिक्षण सामग्री, देखिए हमारी रिपोर्ट। शासकीय प्राथमिक विद्यालय खतेड़िया सारंग की प्रधान अध्यापिका श्रीमती बाल किशोरी जामोद ने अपनी नौकरी के एक ही शाला में 28 वर्ष पूर्ण और 29 वर्ष में प्रवेश की खुशी में स्वयं के खर्च से इस वर्ष बेटमा के 100 गरीब बच्चों को शिक्षण सामग्री भेंट की, जिसमें बच्चों को कॉपी, पेंसिल, रबर, शार्पनर, पेन, चॉकलेट, पारिल, बिस्कुट का एक पैकेट आदि भेंट किया। श्रीमती जामोद ने बताया कि उनके मन में बच्चों को शिक्षण सामग्री बांटने का विचार किया और फिर यह शिक्षण सामग्री नायब तहसीलदार नीरज प्रजापति बेटमा थाने के SI आशिक हुसैन, समाजसेवी राम निवास दाऊरा ने गणमान्य लोगों के साथ बेटमा के सभी पत्रकार, मीडियाकर्मी आदि की उपस्थिति में ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनके हर सुख दुख में, उनके करियर में उनका साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। हम ऐसे ही चाहेंगे आप निरंतर जो है हमारे बेटमा एवं खतेड़िया ग्राम के बच्चों के प्रति ऐसे ही अपनी जो है सफलताएं जो है उनको बांटते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्रिय बच्चों, आप सब जो है मैडम के मार्गदर्शन में है, तो जितना चाहे उनसे ज्ञान लीजिए और अपने आप को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है और मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा।